मंदर साहब रिवर के ऊपर से पास थ्रू हो रहे हैं खुशालगढ़ ब्रिज के ऊपर से। कोच में बैठ के अब आगे का ट्रैवल आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रेन पे जाने की वजह क्या है, बस पे क्यों नहीं जाते? एक तो इसलिए है कि इसमें सफर बड़ा आरामदेह है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम मौजूद हैं कोहाट रेलवे स्टेशन और इंशाल्लाह अभी हम शुरू करने लगे हैं कोहाट एक्सप्रेस 134 डाउन की जर्नी। तो अभी नाश्ता कर लें, सादा सा नाश्ता कर रहे हैं। सुबह सुबह 7:45 हुए और 7:30 ट्रेन निकलेगी, तो इंशाल्लाह आपको कोहाट से रावलपिंडी का जर्नी दिखाते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। सामने मेरी ट्रेन रेडी खड़ी हुई है अभी, और ये देखें कंक्रीट स्लीपर फैक्ट्री कोहाट कैंट, यहाँ पे स्लीपर बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और 134 डाउन कोहाट एक्सप्रेस रेडी है जी अपने सफ़र के लिए। तो अभी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, आपको थोड़ा सा कोहाट का स्टेशन दिखाते हैं और फिर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देखें 2.5 फुट का जो ट्रैक है, 2 फुट 6 इंच नैरो गेज, ये कोहाट कैंट पे आज भी बिछा हुआ है। और इनिशियली जब रेलवे लाइन बिछाई गई थी खुशालगढ़ से कोहाट और कोहाट से टल, तो नैरो गेज का ट्रैक बिछाया गया था, बाद में फिर इसको ब्रॉड गेज किया गया। तो इनिशियली ये नैरो गेज था, कम चौड़ी रेलवे लाइन होती है, 2.5 फुट होती है ये तकरीबन, तो ये आज भी बिछी हुई है देखें। खुशालगढ़ से जो जंड जंक्शन तक का जो लिंक था वो बाद में बनाया गया, तो पहले इनिशियली जो रेल थी अंग्रेज के दौर में वो नैरो गेज पे खुशालगढ़ से लेके कोहाट और कोहाट से लेके टल तक चलाई गई थी। ₹8034 रेडी है। बहुत ही खूबसूरत सुबह है कोहाट छावनी, और सामने आपको दर आदम खैल के जो पहाड़ है नज़र आ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आज मैं आपको बता दूं कि आज 11 फरवरी सन 2022 है और टाइम अभी हुआ है 7:16, 7:30 पे हमारी ट्रेन निकलेगी। सामने आपको कोहाट कैंट रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग नज़र आ रही है, बाहर ले आया हूँ मैं आपको बाहर से दिखाने के लिए। आगे टिकट लेते हैं।
इब्राहिम खड़ा किया हुआ है लाइन के अंदर। इब्राहिम टिकट ले लोगे ना? इब्राहिम मेरे दोस्त कोटा से आए हुए, इनको आज मैं लेके आया था कोहाट, तो अभी हम वापस पिंडी जा रहे हैं। और आप देखें माशाल्लाह सुबह सुबह इस ट्रेन के लिए कितना रश है, लोग टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं और सब लोग ये रावलपिंडी की तरफ सफ़र करेंगे। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का अफ्ताह 24 जनवरी सन 2018 को उस वक्त के वज़ीर ख्वाजा साद रफीक साहब ने किया था। तो अभी चलते हैं अंदर। ये टिकट ले लिया है, 260 रुपये का टिकट है कोहाट कैंट से रावलपिंडी का, और 11 फरवरी सन 2022 को मैं, मेरे साथ बिलाल ख़ान और इब्राहिम, हम सफ़र करने लगे हैं। दोस्तों इस वक्त मैं 8034 HP20 के सामने मौजूद हूं और क्रू से थोड़ी सी बातचीत करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? तो आज आपके साथ हम सफ़र कर रहे हैं, थोड़ी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, हम रेल फ़ैन हैं और रेल फैंस के लिए मालूमात इकट्ठी करते हैं। तो आप ये बताएँगे कि कोहाट से ले कर रावलपिंडी तक का जो फासला है वो कितना है टोटल? ये 177 किलोमीटर में है। 177 किलोमीटर, 177 और 109 मील बनते हैं। और कितनी देर में ये ट्रेन पहुंचती है? ये 4 घंटे में हम यहाँ से चल के थ्रू स्टॉपेज करके और वहाँ। टोटल कितने स्टॉपेजेस हैं वहाँ तक? टोटल तकरीबन 8-10 स्टॉपेज हैं। अच्छा, जो हम एक दो दो मिनट के रुक के और। अच्छा, 10 स्टॉप हैं टोटल? जी 10। और जो परमिसिबल स्पीड है आपकी वो बताएंगे सेक्शन वाइज, अगर यहाँ से हम जाएं जंड जंक्शन तक तो कितनी स्पीड है? जंड सेक्शन तक हमारे पास जो है वो 60 किलोमीटर स्पीड है, और उस पर हम जाते हैं जंड से जो है बसाल वो 75 है, आगे बसाल से रावलपिंडी जो है वो 70 का सेक्शन है गोंडला तक, और गोंडला से रावलपिंडी जो है वो 65 है। 65 है। तो मोस्टली आप किस नॉच के ऊपर चला रहे होते हैं जब आप 75 पे जा रहे होते हैं? ये नॉच का इशू नहीं होता, ये अप और डाउन का होता है। कई दफ़ा हम जो है डाउन में भी आइडल किया होता है और स्पीड हमारी 75 और 70 होती है। सही। अपग्रेडर रेट में हमें 6 नॉच की पावर है ये, और 6 नॉच लगाते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और बता दें जाते जाते कि ये जो पावर है 8034 HP20 जी, ये कौन सा लोकोमोटिव है और किस मुल्क का बना हुआ है? ये हिटाची कंपनी का लोकोमोटिव है जी, और ये जापान से जो है ना तकरीबन 1980 में ये इंपोर्ट किया गया था। ये 88 पावर है वहाँ से जापान से ली गई थी, ठीक है जी। जिनमें जो है ना पाकिस्तान में जो है ना ये बहुत अहम रोल अदा कर रही है पाकिस्तान रेलवेज में, और बिल्कुल हमारा जो कोहाट सेक्शन है इसमें जो है ना ये 2000 पावरें हैं ये रीढ़ की हड्डी का रोल अदा कर रही हैं, और हमारे तकरीबन कोहाट सेक्शन को यही गाड़ियाँ चला रही हैं। इसके बाद हमने खुद जो हमारे यहाँ जिनके साथ की गाड़ियाँ तैयार थी 8300 वाली 23 पावरें हमारे रिसालपुर में तैयार हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी पावरें हैं, बहुत ज़बरदस्त पावरें हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी वेलकम जी। इनिशियल हॉर्न हो गया, 7:30 हो गए, तो आपको मैं जंड जंक्शन तक कैब राइड में लेके चलूँगा, क्योंकि जो आप पहली वीडियो देख चुके हैं उसमें शाम हो गई थी जंड जंक्शन से कोहाट तक, तो आप फ्रंट का व्यू देख नहीं सके। तो अभी आपको फ्रंट व्यू जो है वो दिखाते हैं जंड तक।
दाएं जाने आपको कोहार्ड कैंट का शहर नज़र आ रहा है। कोहार्ड कैंट से जंड जंक्शन तक 60 किलोमीटर का रास्ता है। स्टेशन से पास हो रहे हैं, बेसिकली ये साइडिंग बनाई गई है, सीमेंट फैक्ट्री है कोहार्ड उसके लिए। सात बज के 45 मिनट पे स्टॉप करने लगे हैं हम बाबरी बांडा रेलवे स्टेशन पे। लूप लाइन का सिग्नल जो है वो ऑन है, 134 डाउन कोहार्ड एक्सप्रेस के लिए। सुबह ही सुबह काफ़ी तादाद में पैसेंजर मौजूद हैं। मिनट पे सैनी गंबर्ड रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बनाइए। गांव का छोटा सा रेलवे स्टेशन है, लोग मौजूद हैं अपनी ट्रेन के लिए यहाँ भी।
डाउन ग्रेड ट्रैक स्टार्ट हो गए और आप देखेंगे तमाम जो मोड़ हैं उनके ऊपर गार्ड रेल साथ अटैच हुई हुई है सेफ्टी के लिए। एक साइड पे आपको डबल रेलवे लाइन नज़र आ रही होगी राइट साइड पे। सिग्नल क्लियर है यहाँ पे और 8:25 पे हम पास थ्रू हो रहे हैं फ़कीर हुसैन शहीद रेलवे स्टेशन से। PLC पकड़ के जाएंगे यहाँ से। अप्रोच बना रहे हैं दरियाए सिंध के ऊपर, थोड़ी देर में खुशहालगढ़ रेलवे ब्रिज से पास थ्रू होंगे। अभी लेफ्ट साइड पे रोड के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्रिज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तैयार कर दी है। आपको उल्टे हाथ पे नज़र आ रहा होगा ब्रांड न्यू ब्रिज बना हुआ है रोड के लिए, पर रेल का ब्रिज वही 150 साल पुराना ब्रिज है। दोस्तों इस वक्त हम माल्टी इंडस रिवर के ऊपर से पास थ्रू हो रहे हैं खुशहालगढ़ ब्रिज के ऊपर से। दरियाए सिंध हमारे नीचे से बह रहा है और दरियाए सिंध के दाएं किनारे से हम बाएं किनारे की तरफ जा रहे हैं, राइट बैंक टू लेफ्ट बैंक। के 8:42 पे हम अप्रोच बना रहे हैं जंड जंक्शन पे और यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे ML2 को। देखिए राइट साइड से अप्रोच कर रही है ML2 जो कि पीछे कुंदियाँ मियांवाली दाऊद खेल से अप्रोच करती हुई जंड जंक्शन पहुँच रही है।
स्टेशन पे भी सुबह सुबह काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं अपनी ट्रेन के लिए। अभी चलते हैं पीछे, देखते हैं कोच में जगह मिलती है तो कोच में बैठ के अब आगे का ट्रैवल आपको मैं दिखाता हूँ रावलपिंडी तक। तकरीबन 5 मिनट के करीब यहाँ पे स्टॉप किया है ट्रेन ने और जंट जंक्शन से अभी हम निकल रहे हैं। ML2 पे अपना सफ़र जारी रखेंगे बिसाल जंक्शन तक। एक्सप्रेस जो है वो टोटल 8 इकोनॉमी क्लास कोचेस के ऊपर मुश्तमिल है और साथ एक पावर वैन लगी हुई है और 260 रुपये इसका टिकट है रावलपिंडी से कुहाड़ या कुहाड़ से रावलपिंडी का। जंट जंक्शन से निकलने के बाद सुबह 9:05 पे नमल रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच बनाई है ट्रेन ने, यहाँ पे स्टॉप होगा इसका। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं यहाँ पर। गाड़ी टोकन लेके जा रहे हैं और ये लोकोमोटिव में असिस्टेंट ड्राइवर को देंगे, वो इसको रिसीव करेंगे और फिर ट्रेन आगे बढ़ेगी। सफ़र हमारा जारी है ML2 के ऊपर।
क्या हाल है सर? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी। कोहाट से आप रावलपिंडी जा रहे हैं? जी हाँ। तो ज़्यादातर आप ट्रेन यूज़ करते हैं या बस यूज़ करते हैं? महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल ही करते हैं। ट्रेन पे जाते हैं? जी हाँ ट्रेन पे जाते हैं। ट्रेन पे जाने की वजह क्या है, बस पे क्यों नहीं जाते? एक तो ये है कि इसमें सफ़र बड़ा आरामदेह है, जो खासकर शुगर की मरीज़ है उसके लिए ये बेडरूम भी है और दूसरी सीट भी बड़ी खुली है और बड़ी आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है जो लोगों ने ये ट्रेन को जो दोबारा पहाड़ के लिए चालू किया है ना, तो लोग अल्लाह जिसको जजह खैर दे दें, तो उन्होंने पहाड़ के आवाम के लिए बड़ी सहूलत रखी है, क्योंकि कोच में आना जाना बड़ा मुश्किल भी होता है और हाथ करना कर यानी रश भी ज़्यादा है। अच्छा आप बताएं, किराया कोच का ज़्यादा है या ट्रेन का ज़्यादा? नहीं ट्रेन का तो माशाल्लाह बहुत कम भी है और सफ़र उससे हज़ार दर्जा मैं कहूँगी वैसे बेहतर भी है। बेहतर भी है तो कोच कितना किराया लेती है? कोच तो मेरे ख्याल में कभी 350, आजकल तो मेरे ख्याल में 400 से भी तक तो ऐसा ही है। और इसमें कितना किराया दिया? तो अभी तरनोल तक तो 210 है और रावलपिंडी तक मेरे ख्याल में 260 है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? खैरियत से? अच्छा आप ट्रेन के पैसेंजर हैं या बस के हैं, मुझे बता दें। ट्रेन के पैसेंजर हैं। तो आपके ख्याल में जो आपकी ट्रेन की टाइमिंग है वो ठीक है, सुबह 7:30 बजे? लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एक दूसरी ट्रेन कार से चल जाए। आप कह रहे हैं दूसरी ट्रेन भी चलनी चाहिए? चलनी तो बहुत कम है। तो इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए? उसकी टाइम ये 3 बजे या 2 बजे 5 से 8 से पिंडी के अंदर। मकसद तो आप 6-7 बजे मकसद आप शाम को कोहाट से चले और पिंडी से सुबह चले एक ट्रेन? सही है। तो आपको ट्रेन में सहूलत रहती है? सहूलत है और ये अल्लाह का फजल है कि मेरी टिकट की हालत सही है। आपने सीनियर सिटीजन की टिकट ली हुई है? जी। क्या हाल है सर? खैरियत से? अच्छा आप मुझे बताएं आप डेली सफ़र करते हैं ट्रेन में? जी कभी कभी जाता हूँ। कभी कभी जब भी सफ़र करना पड़ता है तो इसी ट्रेन पे करते हैं। ट्रेन पे करते हैं? ट्रेन से। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि कोहाट से इधर ही जाएं, ट्रेन पे ही जाएं। सही है। तो मैंने सुना है कि कोहाट के जो लोग हैं वो हमेशा टिकट ले कर सफ़र करते हैं, टीटी को पैसे नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल यही बात। ऐसा ही है? इसी तरह ही है। तो इसके अलावा आप बताएं कि कोहाट से पिंडी के लिए पहले एक ट्रेन सुना है और चलती थी? दो चलती थी, लेकिन ये जो काम है इन्होंने बंद कर दी थी। ये भी बंद थी लेकिन ये अब फिर रवाना की हुई है। अब हम तो जो दूसरी ट्रेन है वो कब से बंद है? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 20-21 साल तो हो गए हैं दूसरी ट्रेन बंद है। हाँ तो आपके ख्याल में चलनी चाहिए दूसरी ट्रेन? चाहिए बिल्कुल, दूसरी भी चलनी चाहिए। ये आवाम के लिए बड़ा फ़ायदा है, इस ट्रेन में सहूलत बढ़ी है इसमें। तो ये काम बाला से हमारी दरख्वास्त है कि ये दूसरी ट्रेन भी सेकेंड टाइम के लिए चलानी चाहिए। जी अभी दो मेल रेलवे स्टेशन के ऊपर आके हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, मैं इंटरव्यू कर रहा था तो आपको इसका अराइवल नहीं दिखा सका। 9:17 हुए हैं सुबह के और हम खड़े हुए हैं ML2 के रेलवे स्टेशन दो मेल पे। अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है हमारा वो इंशाल्लाह कसाल जंक्शन का होगा, वो
बहुत ही खूबसूरत सरसों के खेत के अंदर से हमारी ट्रेन गुजर रही है। सुबह 9:25 पे शौच बना रही है हमारी ट्रेन बिसाल जंक्शन पे। बिसाल जंक्शन से हम डाइवर्ट हो जाएंगे बिसाल जंक्शन गोल्डा शरीफ ब्रांच लाइन पे और ML2 छोड़ देंगे। का जो आपको माइलस्टोन नज़र आ रहा है ये है गोल्डा शरीफ तक का ब्रांच लाइन का माइलस्टोन। PLC पकड़ ली है ड्राइवर साहब ने बिसाल जंक्शन पे। और ये 466 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है ये कोटद्दू जंक्शन से यहाँ तक का शो हो रहा है ML2 का। तो ब्रांच लाइन और मेन लाइन दोनों के आपको मैंने माइलस्टोन दिखाए हैं। ये बोर्ड है बिसाल जंक्शन का और सामने से लेफ़्ट जो ट्रैक हो रहा है वो ML2 जा रहा है और हम राइट हो जाएंगे यहाँ से ब्रांच लाइन पे। यहाँ से देखेंगे बाएं जाने जो ट्रैक जा रहा है ML2 है और जो आगे सेवन सिस्टर टनल को क्रॉस करके अटक सिटी जंक्शन पहुँचेगा और हम चले गए हैं गोल्डा शरीफ बिसाल जंक्शन ब्रांच लाइन के ऊपर। मिनट के जर्नी के बाद बिसाल शरीफ का रेलवे स्टेशन आ गया और ये रेलवे स्टेशन जो है वो फ्लैग स्टेशन है। बिसाल शरीफ से भी काफ़ी पैसेंजर जो हैं वो सवार हुए हैं। 72 किलोमीटर दूर है ये गोल्डा शरीफ जंक्शन से। छोटी सी बिल्डिंग है और एक गांव का स्टेशन है। HPU 20 8034 का बहुत ही कमाल का चुकिंग साउंड आपको सुनाई दे रहा है। जैसे ही ब्रांच लाइन पे आए हैं तो आप फील कर रहे होंगे कि स्पीड हमारी बढ़ गई है। इस वक्त ऑलमोस्ट हम 75-80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर अपना सफ़र जारी रखे हुए और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक साउंड सुनने को मिल रहा है।
बहल रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बनाई है 9:43 के ऊपर। छोटा सा बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। काहल स्टेशन जो है वो भी फ्लैग स्टेशन है, सिग्नल्स नहीं होते यहाँ पे, और आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे की, उसके साथ ट्रेन जो है वो अप्रोच करती है और चलती है। तो 2 मिनट स्टॉप करने के बाद काहल स्टेशन से हम डिपार्ट कर रहे चौथरा रेलवे स्टेशन क्रॉस कर चुके हैं हम और बढ़ रहे हैं गगन रेलवे स्टेशन की तरफ। यहाँ से भी पास थ्रू होगी ट्रेन, स्टॉप नहीं है इसका। और अपकमिंग जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे स्टॉप होगा वो होगा फतेहजंग। बेहतरीन ऑफिसर मंजर बशीर साहब खड़े हुए थे फ्लैग लेके गगन रेलवे स्टेशन पे। आप इनका इंटरव्यू देख चुके हैं हमारी गगन रेलवे स्टेशन वाली वीडियो में। सुबह 10:15 पे अप्रोच बनाई है हमने फतेहजंग रेलवे स्टेशन पे और बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आपको मुसाफिर नज़र आ रहे हैं। फतेहजंग रेलवे स्टेशन की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखी।
बाद गोलड़ा शरीफ। पाकिस्तान में मोटरवेज एक्सप्रेसवेज बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। आपको एक और एक्सप्रेसवे नज़र आई है नीचे, उम्मीद करेंगे जल्द ही पाकिस्तान रेलवे भी तरक्की की तरफ अपना रुख इख्तियार करेगा। ये वाली कोच भी इसमें लगी हुई है, देखते हैं। तो 11 बजे हम पहुंच गए हैं करनौल रेलवे स्टेशन पे। इससे अगला जो स्टॉप होगा वो होगा गोल्डा शरीफ जंक्शन। दोबारा मैं आपको लोको में लेकर चलता हूँ। सामने जीटी रोड का गेट है और वो देखें गेट मैन ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल वाले को रोक रहा है, हालांकि गेट बंद है, ट्रेन भी आ रही है। कई हादसा यहाँ हो चुके हैं। जीटी रोड लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं तो अटक और पेशावर जा रही है। शरीफ जंक्शन पे अप्रोच कर रहे हैं और लेफ्ट साइड से आपको नज़र आ रही है ML1 जो पेशावर से आ रही है।
सामने आपको नैरो गेज ट्रेन रेक नज़र आ रहा है। बेसिकली कोहाट टल पैसेंजर ट्रेन चला करती थी नैरो गेज पे, उसका रेक है। और ZB-207 ज़ोब बोस्तान पे जो नैरो गेज चलती थी वो लोकोमोटिव खड़ा था। ग्यारह बज के 10 मिनट पे अप्रोच बनाई है हमने गोल्डा शरीफ जंक्शन पे। राइट टाइम चल रही है हमारी ट्रेन और इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे। 11:20 का शेड्यूल्ड अराइवल होता है वहाँ पर, तो ड्राइवर साहब बड़ा अच्छा लेके आ रहे हैं आज इस ट्रेन को। ये 2 मिनट स्टॉप करने के बाद गोल्डा शरीफ जंक्शन छोड़ रहे हैं। शरीफ से हम ब्रांच लाइन छोड़ के ML1 को ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ से लेके रावलपिंडी तक हमारा सफ़र मेन लाइन 1 के ऊपर जारी रहेगा। रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद का जो सब स्टेशन है वहाँ पर निकलते हैं। राइट टाइम है, 5 मिनट की डिले से हम पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी आई है ट्रेन थ्रू आउट गुहाट से लेके रावलपिंडी तक। थोड़ा सा आपको पैरेलल एक्शन मिल गया देखने। टिकट लेके सफ़र करते हैं दोस्तों। यहाँ मेरे साथ एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर मोहम्मद हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र ठीक है। आज आपसे फिर मुलाकात हो गई हमारी। हाँ जी, हाँ जी, बस तो मेरे लिए
तो आपको किस किस्म की वीडियोज अच्छी लगती हैं? जी कैब राइड्स की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। कैब राइड की? हाँ जी। तो मैंने लिए फिर स्पेशली इस कोहार्ट वाली ट्रेन जो है इसकी दो राइड्स बनाई हैं। बिल्कुल। तो वो आपको देखने को मिलेगी, एक मैंने जाते हुए थ्रू आउट कैब राइड बनाई है इसकी कोहार्ट तक, और एक वापसी में भी थोड़ी सी बनाई है। जी जी। तो हमारे साथ भी किया है। हाँ जी। तो वैसे आप बता दें कि आपकी फेवरेट ट्रेन कौन सी है? फेवरेट ट्रेन मेरी यही है कोहार्ट 134-133। उसकी क्या वजह है? मेरे गाँव जाती है। आपके गाँव जाती है? वेरी गुड। तो आप स्टूडेंट हो अभी? हाँ जी। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट क्लास 9। वेरी गुड यार। और आपके वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर। डॉक्टर हैं? हाँ जी। चलें वेरी गुड यार, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात हो। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। एज़ यूजल आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग देखते रहें, साइट्स एंड साउंड चलता रहेगा और रेल फैनिंग जारी रहेगी। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ुदा हाफिज़।